हेलो दगड़िया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज, अभी मैं हूँ अपने घर में और आजकल नीचे देख देख के ब्लॉगिंग करनी पड़ती है क्योंकि बाट घाट इतने रड़ने वाले हो रखे ना दोस्तों। ब्लॉगिंग के चक्कर में आपकी कमर ब्लॉक हो सकती है, मतलब टूट सकती है, तो इसलिए हर एक चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ दोस्तों पहाड़ी बाखली में और मेरी वो टी शर्ट देख तुम समझ ही गया होगा कि मेर आज एक फिर से नई टूर छू, ठीक है, क्योंकि घर वाली कमीज तो आपको पता ही है वो ब्लू ब्लू कलर की छिट्टे वाली। तो देखता हूँ अभी पहाड़ी बाखली में क्या माहौल चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ी बाखली का रास्ता, राजाधिराज महारानी का आसन लग चुका है दोस्तों। पप्पा यहाँ पे कपड़े धोते हुए, शिव ये जिंदगी नहीं भाई यार पप्पा ना, पर्दे कितने गंदे हो रहे हैं। अच्छा, ये दोस्तों पहाड़ी बाखली का जो बाहर वाला किचन है उसके पर्दे साफ हो रहे हैं आज, क्योंकि आग का खाना बनता है ना तो उससे जो धुआँस वास होता है उससे पर्दे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, ठीक है। जीवाणु कीटाणु नहीं होंगे उसमें क्योंकि आग इतनी जलती है कि वो वैसे ही खत्म हो जाते होंगे, लेकिन दिखने में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए पर्दे पप्पा धो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किचन यहाँ पे पहाड़ी बाखली का, ये अच्छे से गरा रखा है आप देख सकते हैं गोबर और मिट्टी की सहायता से, फर्स्ट क्लास करके इसकी क्लीनिंग करी हुई है। उन्हें क्या फर्क, क्या फायदा हो, कम मिल रहा मोक्ष कोई नहीं जाओ। हाँ, ये जय हो परमात्मा। मम्मी मेरे लिए बना रही है नाश्ता। नमस्कार, ठीक ठाक है? है तो दोस्तों मम्मी मेरे लिए बना रही है पराठे घी के। ट्रिप पे जाने से पहले आपको बसंती के बच्चे भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आप कुछ दिनों तक मिस करेंगे इनको। बासु आज्ञा है, ये डोका खोल लू, खोलू डोका। कुनो कुनो, ये लालू का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो चुका है दोस्तों। और बकरी के पट्टियों के लिए दो किल भी हमने गाड़ दिए हैं, एक दो। जिंदाबाद जिंदाबाद पहाड़ी मोटे जिंदाबाद। तोरिया का लगेल भी धीरे धीरे सूखने लगा है दोस्तों, पता नहीं क्या कीड़ा इसमें लगा है। यहाँ से तो फूल खिल रहे हैं लेकिन इस साइड से देखो आप पत्ते पीले पड़ने लग गए हैं। यात्रा सफल हो तेरी। यात्रा सफल तो होना चाहिए, याद आ ली ने के लिए नहीं आया, जल्दी आई यहाँ के तो मिस कर ली तू, जो दुख सुख लगुने भाई तब होने पे जल्दी आई है। नमकीन ले मणि चटपट। हां चटपट नमकीन लो। और पी दगा के हलो। तो गाइस यात्रा पे जाने से पहले महारानी विक्टोरिया के तो गाइस यात्रा पे जाने से पहले महारानी विक्टोरिया को उसके सिंहासन पे विराजमान करना है ताकि वो मुझे जाते हुए ऊपर को देख सके दोस्तों। और ये प्रोटोकॉल में भी था, कल ही ड्यूटी रजिस्टर में मेरी ये ड्यूटी लगी हुई थी कि जाने से पहले आप महारानी विक्टोरिया को बाहर देके आएंगे। तो काफिला कुछ ही देर में यहाँ से आने वाला है दगड़ियों। महारानी विक्टोरिया तैयार हो रही है, अपनी मैक्सी को ऊपर कमर में खोस रही है दगड़ियों और अपने सर में घूंघट डाल रही है, चश्मा पहन रही है, फिलहाल चश्मा पहन रही है दोस्तों। जिया जिया एक्सक्लूसिव फुटेज दिख रही है यहाँ पे महारानी विक्टोरिया, सबसे पहले पवन पहाड़ी ब्लॉग चैनल पे दगड़ियों। किसी भी समय, जी हाँ दोस्तों किसी भी समय, मैं हूँ दोस्तों पहाड़ी अर्णव गोस्वामी। जी हाँ जी हाँ, इस वाले एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे महारानी विक्टोरिया को। देखिए आप किसी भी देखिए महारानी विक्टोरिया का ताज आ गया है दोस्तों, इसको यहाँ रख देते हैं। महारानी विक्टोरिया किसी भी समय आ रही है और ये लट्ठी आ चुकी है बाहर को जाट, और यहां से महारानी विक्टोरिया को सहारा देना पड़ता है। तो दोस्तों एक रानी इंग्लैंड की थी और एक रानी पहाड़ी बाखली की है दोस्तों। आप उतर नहेंगे ये एक जबूद है, ये एक लो हल है, ये एक लो हल है। तो भागवत सुन है क्या राज? ना ना वो बहुत दफा काल आलो, कोई नहीं देखो, कोई नहीं देखो ने ना ले चल वीडियो कॉल में देखनी है रोज। वीडियो कॉल में बात लगवा घर जाना घर ले आ जा। महारानी को लैंड करवा दिया है दोस्तों। अब हेलमेट में बहरे भैया। हाँ बहरे भाई पे तो आया एक बाजी नॉन भी था। अब आसुन सानी भाई, सुन सानी भाई जा क्या करूँ, कहाँ जा, कहाँ जा है पे तो ना हाथ खुट होना, ये रास्ते से ना दूर जानी है करती ना ना हाथ हाथ खुट होना का पता है, जाऊँ ही कहाँ जानू जो उन्हीं से जंदा हाथ खुट से वो निवेश करना है वही तो उन्हीं में। अरे भाई साहब आज कितने बर्तन हो रखे हैं,
थैंक गॉड मैं बच गया दोस्तों। जब भी मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूँ दोस्तों, पापा काम ये होगी कि धरा हो कि ना धरा, वो सब चेकलिस्ट मेरे तैयार करते हैं। क्या क्या बता दो। अब तो इतनी बात चला गया यार, बार बार क्या बता रहे हो, होनी चाहिए। सुबह सुबह बता रहे थे तुम क्या क्या रखना है। चप्पल धर लिए, कॉलगेट, ब्रश, वही मोबाइल चार्जर छ, कतो किस्मा चार्जर छ। हां और मम्मी की धरन हो और कह कह वहां जान हो, कह कह वहां ना जान हो, ये मम्मी डिसाइड करती है। ठीक है, किसके वहां किसके वहां कौन सी मिठाई ले जानी है, किसके वहां कद्दू देना है, किसके वहां ककड़ी देनी है, ये सारा डिसाइड होता है। आई होप आपके परिवार में भी ये इजाई डिसाइड करती होगी, है ना। हाँ और अम्मा अम्मा क्या हाथमणी की है ना भाई आपने, जैसे मैं हस्बैंड जना कोण का सहरो भाई आप बस सब राज पाड़ी नन खदी है मैं हाथ में की छोई जा के ना ना के हूं आदमा राज पाड़े नो राज धानी नो दियाली दियाली ने इन और कार इन और बात। हां जना कोण का सहरो भाई सहरो। तो दोस्तों अब अम्मा की पोजीशन वो है जैसे इंग्लैंड में जो चलता है ना राज राजतंत्र चलता है, वहाँ पे राजा भी होता है, तो वो सिर्फ नाम का होता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम का ही होता है, मतलब वहाँ पे उसको उतनी पावर नहीं होती जितनी प्रधानमंत्री को होती है। बस वही हाल यहाँ पे आमा का भी है दोस्तों। आमा नाम की महारानी है, लेकिन पूरा जो एग्जीक्यूशन है ना वो यहाँ पे देखिए हमारे घर की प्रधानमंत्री करती है। ये शोषण अम्मा का ही कुछ ना त्योर कर, आप तू कर रहा है, ये कब आज भाई पूरा हो रहा है, पापा आपका हो रहा है नहीं शोषण है। इस बात का मम्मी तो करती है आपको परेशान। परेशान क्या है, खा नहीं रहे हम। अब कपड़े धुलवा रही थी सुबह, पर्दे धुलवा रही थी, करना ही पड़ेगा फिर तो, करना तो पड़ेगा। लेकिन कोड़ी भी नहीं खाता बैठ के तो लोग। हाँ ये तो है, लेकिन और उनके पति नहीं करते, हाथ और पैर नहीं होते हैं। हाँ वो भी पेट के बल से चल के रैंक के हुए जाता है। क्या बात है यार पापा, तुम बात हमारे पास तो हाथ पैर दे रखे हैं अभी। कोशिश करनी चाहिए जब तक शरीर चल रहा है, खाली बैठ के नहीं खाना चाहिए। और उनके पति तो नहीं करते हैं फिर, और उनके पति वो तो अपनी अपनी समझदारी है, नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहें, नहीं कर रहे हैं तो मत कर। तो दोस्तों फिलहाल की अपडेट यही है कि आज मैं हल्द्वानी तक जा रहा हूँ, फिर उसके बाद कहाँ की यात्रा है वो फिर आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। नाश्ता बनने दे रहा है दिन में खाना कौन बनेगा, ये देखिए दोस्तों आज दिन में बनेगी कद्दू की टपकी। कद्दू की सब्जी के साथ भात खाने का जो आनंद है ना, आह। पंद्रह बाजन वी वाले के गुनियान जी की भाई नहीं ना गुनियान हीड़ पीड़ बिल्कुल नहीं भाई, हीड़ पीड़ बिल्कुल नहीं भाई। क्या कहीं खा ली गुलाब बना सो पर लेकिन मेल ना है दोनों को, मेल ना दया होने जाए ना, दया धर्म होने जाए ना भाई, ना करा जाए ना भाई, यार करा दिनों पे तेरे पटवार कर ली भी तत्व दे रहो भगाई तत्व भगा रहे आप। काम चार पैसे दुनिया भरी ड्राइवर साहब का फोन आ गया है। हाँ दादा, हाँ कहाँ पूछ जा गाड़ी, चलो भाई मैं लागू माठूमाठ रोड में। ठीक हो ठीक, आजकल तो टैक्सी वालों को सवारियाँ से ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती है, अब वो जमाना चला गया, वो प्रजातियाँ विलुप्त होगी ड्राइवरों की जो कहा करती थी आओ अल्मोड़ा बागेश्वर खेड़ना भवाली ये कहने वाली प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है तगड़ियों, क्योंकि अब फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, तो सब इसी में कॉन्टेक्ट हो जाता है। ला कहाँ पूछ जाए, ला कोवालगाड़ जाने को ड्राइवर हूँ, सब ठीक है एक हिसाब से, दोनों के लिए सुविधा है। ड्राइवर को भी अपना माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती है और सवारियों को भी घर बैठे ये सुविधा मिल जाती है, कहाँ स्टेशन में खड़े रहो फिर गाड़ी का इंतजार करो, है ना। मेरा देश बदल रहा है भैया। हाँ बल के रहे, हाँ जाओगे बहन निकल बाहर।
ये देखो मैं पूजा जन का पूजन हो तो कह लीजिए हो तो पहाड़ से सामान हल्द्वानी सप्लाई होता है डेली डेली कट्टे के कट्टे हमारे तो सीमेंटा कट्टा है बिल्कुल बर्बाद ना जानता कड़ी पहाड़ का सारा सामान हल्द्वानी दीपा भाजी ने भी अपनी बेटी के लिए भेज दिया ठीक है ना चलो बाय 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 आज मिल बेरम जम के नाच नुहा ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे मी तो नाच नु बस पहाड़ी बीट मा बजे ते तू पहाड़ी गीत रे आज मिल बेरम जम के नाच नुहा ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे मी तो नाच नु बस पहाड़ी बीट मा यार दोस्त बार भी एग छा उन घर वाल भी एग छा और एग छा वो जो छा मेर परानी रूप की रूपसी मेर ही अखिरानी ओ एग छा छेग छा बजे ते तू पहाड़ी गीत रे आज मिल बे रम जम के नच लू हाँ बंद कर दे पर सो गाइस फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुका हूँ और मेरे को लेने के लिए मेरा नेपाली भाई मेरा नेपाली भैया आ गया था दोस्तों लवी ठीक है और मैंने देखा है दोस्तों मैंने जब भी मैं गांव से आता हूँ ना तो लवी हो हर्षित हो कोई भी हो दगड़ियो दौड़े दौड़े आते हैं क्योंकि उसमें मेरे पास ये कट्टा होता है जाते समय भले ही रहा है मौसी मेंशन में पहुंच चुका हूँ मैंने बोला था ना मुझसे ज्यादा मतलब कट्टे से है ठीक है मेरे को कोई नहीं पूछ रहा नमकीले लिए आएंगे वाह इतना आदर सत्कार क्या बात है सो दगड़ियो ताऊजी ताईजी के वहां पहुंच चुका हूँ और ताऊजी ताईजी हमारे आप देख सकते हैं दोस्तों जयमाला वाली कुर्सी में बैठे हुए हैं ये देखिए आप ताऊजी ताईजी और बहुत बड़ी अपडेट बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ताई जी का बिराव ब्याह रखा है दोस्तों तो आप सभी को ताई जी की तरफ से बिगौत खाने का निमंत्रण है कैसे निमंत्रित होंगे मैं आपको पद दिखाता हूँ इना मीना डिक्का जाला तीन रहा नहीं कुत्तू कुत्तू आंख ना खुल लाए क्या भाई शिप 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 तो दोस्तों अभी इनकी अभी ये देखो ये तो पर्चे तो पेड़ो ये देखो जी बोल रहा मुन्नी निकाल ले रहा बैर दोस्तों ये है हमारे अमित भाई ये देखिए ये ताऊ जी के सबसे छोटे सुपुत्र है तो गाइस एक बहुत ही व्यस्त दिन अभी मैं हूँ ताऊ जी ताई लोगों के साथ तो थोड़ा गपशप वपशप मारते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही यहीं पे एंड करते हैं बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग कहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग Love you all. Bye bye.